हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हैं मैहर देवी, जिसको शारदा माता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये मैहर देवी का रेलवे स्टेशन है, छोटा स्टेशन है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही साफ़ सुथरा देखिए रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन है। अब हम यहाँ से ऑटो के टेम्पो के ज़रिए हम माँ शारदा मैहर देवी का दर्शन के लिए हम यहाँ से चलेंगे। दोस्तों, ये मैहर देवी में स्टेशन परिधि को बहुत छोटी सी दुकान दिखाई दी, इसमें काफ़ी सारे देखिए सामान रखे हुए हैं, बच्चों के खिलौने, मालाएं, मूर्तियां वगैरह वगैरह हैं। दोस्तों, ये मैहर देवी का बाहर का देखिए स्टेशन का नज़ारा है, बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। तो अब हम यहाँ से ऑटो करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर गर्मा गर्म मक्के भुजे जा रहे हैं, बिल्कुल ताज़े ताज़े मक्के हैं। तो दोस्तों, अब हमने यहाँ से अपना सफ़र शुरू कर दिया है, हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं और ये देखिए बाहर का नज़ारा है, दुकानें हैं। दोस्तों, यहाँ का जो अनुभव है बड़ा ही आनंददायक है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये हमारा मैहर देवी का मेन जो द्वार है, मेन द्वार देखिए आ गया है। दोस्तों, हम मंदिर के लमसम करीब आ चुके हैं। तो ये देखिए, यहाँ की जो दुकानें हैं कितनी अच्छी सजी हुई हैं, कितने सारे यहाँ देखिए माले टंगे हुए हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, बच्चों की चूड़ियाँ, बिंदियाँ। दोस्तों, हम यहाँ पे एक छोटी सी मंदिर में आए हुए हैं, दुकान में आए हुए हैं। तो यहाँ से हम जो शारदा माता जी हैं उनके लिए हम चुनरी और ये नारियल कर देंगे, ताकि ऊपर जाके हम माता जी को चढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, हमारी जो मैडम है चुनरी पसंद कर रही हैं, कितनी रंग बिरंगी चूड़ियाँ दी थी चुनरियाँ, कितनी रंग बिरंगी, कितनी प्यारी लग रही हैं देखिए। हाँ, फिर जी देखिए, ये दुकान है, इसमें भी काफी अच्छी सारी मूर्तियां हैं। हाँ, आ जाएगी, खूब ढेर सारे खिलौने हैं। अच्छा, सारे दुकानें बंद हैं। अच्छा अच्छा, ये दुकान के मालिक हैं, खूब ढेर सारे मालाएं हैं देखिए, रंग बिरंगी चूड़ियां हैं। होलसेल की दुकान है, थोक की, ठीक है, रेट भी कम रहेगा आपको। तो सर, जब हम ऊपर से आएंगे तब आप शॉपिंग करेंगे, ठीक है। दोस्तों, ये प्रसाद है जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, देखिए कितने वैरायटी के प्रसाद रखे हुए हैं। इसको हम लाचीदाना बोलते हैं, इसको पंचमेवा बोलते हैं ना, पंचमेवा बोलते हैं, और इसको हम रेवड़ी, तिलकुट भी बोलते हैं, तिलकुट रेवड़ी, और इसको हम मुरमू या लाई बोलते हैं, है ना अम्मा। अम्मा तो ऊपर से आएंगे तो प्रसाद लेंगे, ठीक है, अभी खाली यहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए भंडारा है, ये देखिए भंडारा है, और भाई साहब भंडारा सबको बांट रहे हैं। हाँ, कितनी लजीज खिचड़ी बनी हुई है।
दोस्तों ये देखिए शारदा देवी जो मैहर देवी हैं, इनका मेन गेट यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे दो रास्ते हैं जाने के लिए, या तो हम सीढ़ी से जा सकते हैं, या फिर देखिए वहाँ रोपे भी है, आप रोपे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सीढ़ी से जाने का, पैदल जाने का प्रोग्राम बनाया है। ये देखिए मैडम जी पैदल जा रही हैं सीढ़ी से। अरे थोड़ा इधर भी देख लो भाई। हाँ तो दोस्तों हम सीढ़ी से चल रहे हैं। शाबाश दोस्तों, देखिए मैडम जी हमारी चल रही हैं। दोस्तों यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है और हम पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं। कोई बार अच्छा लग सकता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं उनकी नंबरिंग की हुई है 495, 496। तो यहाँ पे लमसम 1000 सीढ़ियाँ हैं। तो अभी हम लमसम आधे रास्ते पहुँच गए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 501 आ गया है। चारों तरफ हरियाली है और यहाँ का जो मौसम बड़ा ही सुहाना है। दोस्तों आज भगवान भी बहुत मेहरबान है, भगवान ने देखिए बारिश झमाझम कर दी। दोस्तों ये देखिए लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं, और देखिए वहाँ रोपवे से भी लोग जा रहे हैं।